आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के सदस्यता अभियान की माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और हमारे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अपने मदन जी राठौड़ साहब ने आज शुरुआत करी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये चरणबद्ध तरीके से हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा और हमारे पूरे प्रदेश के ही नहीं देश के हर्षोल्लास से सब लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और कुछ घंटों के अंदर ही लाखों लोग ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लालसोट से विधायक हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा है काम नहीं हो रहे हैं कर्मचारियों के, विधायकों के, इसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी के काम हो रहे हैं। कल राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही कल राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के सदस्य बनते ही प्रदेश में भी सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की है। प्रत्येक बूथ पर 200 और ऐसे 51,300 कुछ बूथों पर 125,000 रुपए सदस्य बनाने का लक्ष्य, अभी कम से कम सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। हमारी प्रदेश की कार्यशाला हो चुकी, मंडलों की कार्यशाला हो चुकी, 40,000 से अधिक बूथों की कार्यशाला हो चुकी, नीचे तक कार्यशालाओं का हम पूरा करके अब हम घर घर जाकर के संपर्क करने का 11 से 17 सितंबर महासंपर्क अभियान में प्रत्येक बूथ पर संपर्क करके हर व्यक्ति तक पहुंचने का सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्यता अभियान के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। भाई साहब, सदस्य तो बढ़ा रहे हैं लेकिन राजस्थान की जो सरकार है उसमें कई एमएलए नाराज हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो। आम हित में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, जो सरकार 8 महीनों में जिन बातों की बात की थी वो सारे पूरे करने काम किया है और उस बजट की तारीफ तो सदन के अंदर और सदन के बाहर खुद विपक्षी दल के विधायक भी कर रहे हैं। ये अपने आप में है कि पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गतिमान होकर के राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक लोगों के सबके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर सरकार ने पहली बार प्राथमिक रूप से एसओजी को जांच दी है, लीट की जांच एक टास्क फोर्स बनाकर इसको दी है, बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई है, परतें उधड़ रही हैं, जैसे एसओ का पूर्णता होने पर आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी।